नमस्कार आदाब। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ जिले से है जी। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले की दूसरी सबसे बड़ी नगर पालिका मुबारकपुर कस्बा के कटरा बलुआ स्थित वार्ड नंबर 1 में नाली जाम होने से मोहल्लेवासी आक्रोशित हैं। गांव नगर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखने के लिए प्रत्येक गांव में सफाई कर्मियों की तैनाती भले ही सरकार द्वारा की गई हो, मगर इनके द्वारा अपने दायित्वों के प्रति लगातार लापरवाह बने रहने से नालियां पूरी तरह जाम होकर बजबजा रही हैं और इनसे भयंकर दुर्गंध भी आ रही है, जिससे शासन की मंशा पूरी तरह से फेल होती दिख रही है और मोहल्लेवासियों में भारी रोष भी देखा जा रहा है। मोहल्ले के ही एजाज नामक युवक का कहना है कि हमारे वार्ड में सफाई कर्मी के न आने से सारी नालियां जाम पड़ी हुई हैं। नाली हमारे गली में नीचे होने के कारण दोनों तरफ का गंदा पानी यहीं जमा हो जाता है। बारिश अगर थोड़ी भी हो जाती है तो पूरे गली का नाली का गंदा कीचड़ ऊपर बहता है, जिससे आने जाने में काफी परेशानी होती है। जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। साथ ही दूसरे युवक जिसका नाम मोहम्मद असलम है, उसका कहना है कि हम लोग कई बार नगर पालिका को लिखित में शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब इस हालत की शिकायत कहाँ करें, ये समझ में नहीं आता। असलम का कहना है कि दवा का छिड़काव भी कभी नहीं हुआ, इस मद में आने वाला धन कहाँ चला जाता है ये बताने वाला कोई नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा एजाज अहमद नाम है सर जी। ये नाली कब से खराब है आपकी? नाली साल भर से ऊपर हो गया। इस तरह की बारिश में होता तो ठेऊना भर पानी लग जाता है। हम लोग कितनी बार दरखास्त लेकर गए फिर वापस चले हैं, कोई नतीजा हल नहीं हुआ। किसको दरखास्त दिए हैं? चेयरमैन साहब के घर भी गए हम लोग कितनी बार, और जा के वापस ले। आप लोग चलिए, मैं सुबह में अभी तुरंत भेज रहा हूँ। नंबर भी कितनी बार दिया गया, अब कोई फोन ओन नहीं आया। और आकर यहाँ फिर दोबारा कितनी बार जाए, आदमी दो चार बार जा चुके, जाए नहीं हुए, बैठ गए हम लोग। क्या किया? आपका क्या नाम है? असलम। असलम, ये नाली आपके आपके घर के पास की है? आदम घर के पास। हाँ, ऐसा है कि बरसात में जब पानी दोनों तरफ से बीच में एकदम ढाल है, तब अच्छा। पानी मरता हम लोग के जैसे करगा में जाता, हम लोग कन्ने वो सब तो मतलब एकदम सीढ़ा बना रहता। अच्छा। अब कुछ दिन और रह गया तो हम लोग का घर भी बच सकता है। अच्छा। घर में पूरा सीढ़ा रहता है, अब मनाइए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।